तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे कि सर मैथ के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक साथ लिंक प्रोवाइड करूंगा सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपको कहीं पर कुछ भी अलग अलग सर्च नहीं करना है, बस उतनी चीज़ें तैयार करो, उससे बाहर 100% कुछ नहीं आएगा और पेपर ईजी आएगा, आप आसानी से पास हो जाओगे। SST का पेपर हो चुका है, जो बच्चे SST का एग्ज़ाम दिए थे उनकी भी ऑफिशियल आंसर की अपलोड है, देख सकते हो और मैच कर सकते हो कि आपने कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया है। ठीक है, मैथ की भी अपलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देख लो, सबसे पहले करना कि आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन कर लो, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार इंटरफेस आएगा। सबसे पहले जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ था, ये इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है, इसको तैयार करना है। ठीक है, अच्छे से तैयार करना, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद में ये मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन है, इसको तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर साथ में है। ठीक है, उसके बाद में जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ था, सेक्शन सी सेक्शन ई सेक्शन सी सेक्शन बी सेक्शन ए, फुल एक्सप्लेन समझाया गया है, आप अच्छे से इसकी तैयारी करो। ठीक है, उसके बाद में ये जो मिड टर्म का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का, इसको तैयार करो। मॉर्निंग, मिड टर्म, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट, मिड टर्म, और जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर था ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है, ये भी, ठीक है, अलग अलग पार्ट है। ओके, फुल एक्सप्लेन, इसको तैयार करो। लास्ट ईयर जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, ये उसका सॉल्यूशन है, इसको भी तैयार करो। ये क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखना, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो 40 नंबर का था, बट आपको क्वेश्चन तैयार करना है, आपका पेपर 80 नंबर का ही आएगा, सेम पैटर्न। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम वाला सेम पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। ठीक है, ये फुल एक्सप्लेन सॉल्यूशन है, ये सब तैयार करना है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें मैंने केवल मैथ में चेक कर लिया, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ वर्कशीट असेसमेंट टाइप में था, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, बाकी डायग्राम वाले तो नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फुल एक्सप्लेन जो कि आ सकते हैं, बाकी असेसमेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। लास्ट ईयर का ये प्रैक्टिस पेपर है, उसका सॉल्यूशन है, ये भी, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कशीट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये भी असेसमेंट है, ठीक है, ये असेसमेंट वर्कशीट है। अब जितने भी आप देख रहे हो ये सब असेसमेंट वर्कशीट हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, इन सब की। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने कमेंट में लिंक पेस्ट कर दिया, टोटल जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एक साथ मैंने प्लेलिस्ट बना दी, अलग अलग कुछ भी सर्च नहीं करना है, मेहनत से स्थिर मन से 19 तारीख को आपका पेपर है, अच्छे से तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, घबराना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेपर में कुछ छोड़ कर मत आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बाकी जस्ट जब पेपर देकर आप आओगे तो सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा, मैच कर लेना, और उससे पहले अच्छे से तैयारी कर लेना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये चीज़ ध्यान में रखना। सिलेबस आपका सेम एनुअल है, उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सेम पैटर्न, MCQ क्वेश्चन भी होंगे स्टार्टिंग के भी, सेम पैटर्न एनुअल एग्ज़ाम वाला। ठीक है, बाकी केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग शॉर्ट हर टाइप में क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपने प्रैक्टिस पेपर किया और एनुअल एग्ज़ाम दिया सेम वैसे ही। ठीक है, मिड टर्म का सेम पैटर्न, मिड टर्म, एनुअल, सब कुछ सेम वही पैटर्न है। ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करो, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, और मन ध्यान से पढ़ाई करो।
ठीक है, 100% पास हो जाओगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अच्छे से तैयारी कर लो, SST में भी काफ़ी क्वेश्चन मिले थे, सब कुछ सेम, जो भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी इसमें से भी पूरे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। आज की वीडियो में इतना था, किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।